अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 234, 538 एंड 678 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों वैल्यूज को हमें डिवाइड करना होता है, और किस तरह डिवाइड करेंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम बना लेते हैं अपना डिविडेंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है 678, और उस वैल्यू से जो छोटी वैल्यू होती है, देखें तीन वैल्यू होती है, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारा डिविडेंड बन जाती है, और जो उससे छोटी वैल्यू होती है वो बन जाती है हमारा डिवाइजर यानी कि 538। और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी हम इन दोनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो 538 वन टाइम इस 538 ही होगा, और अगर हम टू टाइम लेंगे तो वो 1000 से ज्यादा वैल्यू आएगी, जो कि 678 से बड़ी होगी। इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 538 वन टाइम इज 538। अब हमें करना है इसे माइनस, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। ये बन चुका हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर ये बन जाएगा अब हमारा नया डिवाइजर, और हमारी जो डिविडेंड की वैल्यू होगी वो होगा हमारा प्रीवियस डिवाइजर यानी कि 538। अब हमें इसे दोबारा से डिवाइड करना है, हमें देखना है 140 के टेबल में 538 आता है अगर नहीं आता तो इससे छोटा नंबर जो है वो कौन सा आता है। तो हम 140 को यहाँ डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले इसे 4 टाइम 0 इज 0, 4 टाइम 4 इज 16 का 6, 1 कैरी, 4 टाइम 1 इज 4 प्लस 1 5, तो ये तो 560 हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ रही है 538 से, इसलिए हम 140 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 3 टाइम 0 इज 0, 3 टाइम 4 इज 12 का 2, 1 कैरी, 3 टाइम 1 इज 3 प्लस 1 4, ये आ चुका है हमारे पास 420। हम यही लेंगे, ये जो है बड़ी वैल्यू हो रही है ये हम नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ लेंगे 140 3 टाइम इज 420। अब हमें यहाँ माइनस करना है, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 ही रहेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है रिमाइंडर जो कि अब हमारा नया डिवाइजर, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू कौन सी होगी, हमारा प्रीवियस डिवाइजर जो कि है 140। ठीक है, 118 वन टाइम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टू टाइम लेंगे तो वो 200 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए हम लेंगे यहाँ 118 वन टाइम इज 118। अब फिर से हमें यहाँ माइनस करना है, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से बोरो लेंगे हम, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास होगा 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ये रिमाइंडर बन जाएगा अब हमारा नया डिवाइजर, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी हमारा प्रीवियस डिवाइजर यानी कि 118। अब हमें देखना है कि 22 के टेबल में 118 आता है या नहीं आता, तो हम क्या करेंगे उसे डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 22 को। पहले मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 6 टाइम 2 इज 12 का 2, 1 कैरी, 6 टाइम 2 इज 12 प्लस 1, यहाँ आ चुका है हमारे पास 13 जो कि 118 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ 22 को, अगर 5 से तो 5 टाइम 2 इज 10 का 0, 1 कैरी, 5 टाइम 2 इज 10 प्लस 1 11, तो ये वैल्यू मैं ले सकती हूँ, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकती क्योंकि ये 118 से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ हम लेंगे 22 फाइव टाइम इज 110। ठीक है, अब हमें माइनस करना है, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 ही रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ये रिमाइंडर हमारा है नया डिवाइजर, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू है ये 22। 8 के टेबल में 22 नहीं आता, 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 8 टाइम 3 इज 24, तो हम 24 नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ लेंगे 8 टाइम 2 इज 16। 2 में से हम जो है 6 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो ले लेंगे, ये 12 हो गया और ये 1 रह गया, 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 ही रहेगा। अच्छा, अब ये बन चुका हमारा फिर से नया डिवाइजर, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू कौन सी होगी, प्रीवियस डिवाइजर यानी कि 8। 6 के टेबल में 8 नहीं आता, उसे छोटा नंबर 6 ही आता है, 6 टाइम 1 इज 6, 8 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 जो कि है हमारा नया डिवाइजर। अब हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी हमारा प्रीवियस डिवाइजर यानी कि 6 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे, 2 टाइम 3 इज 6। ठीक है, ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, 6 में 6 माइनस करेंगे 0। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर हमारे पास अभी थर्ड वैल्यू भी बाकी थी, तो अभी हमें इसे भी पूरा एंड तक डिवाइड करना है, उसके बाद ही हमारा एचसीएफ आएगा। उसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे, उसे हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है, अब हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। हम उसे यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 234 को। अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिवाइजर था, देखिए जो 2 नजर आ रहा है आपको लास्ट डिवाइजर, इसी वैल्यू से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। 2 टेबल में 2 आता है 1 पे, ठीक है, यहाँ 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ 3 कॉपी कर लेंगे, 2 टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे। 2 टाइम 1 इज 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ 4 है, 4 को कॉपी कर लेंगे, 2 टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। तो ये जो है पूरा कैंसिल हो चुका है 234, ठीक है। और हम अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एच सी एफ कौन सा है, हमारा एच सी एफ है ये 2, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है जिसपे ये तीनों वैल्यूज जो है वो एंड तक डिवाइड हो गई हैं, तो वो ही है हमारा एच सी एफ, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हमें एच सी एफ इस तरह हम लिख लेंगे, एच सी एफ है हमारा 2। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।